हेलो फ्रेंड्स, पोएम में करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में आपको पढ़ा रहे हैं। लेसन फर्स्ट है, सर हेनरी वाटन ने इसको लिखा था। और इसके आगे हम आज अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। आप दो स्टेंजा पढ़ चुके थे तो उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। अगला स्टेंजा है स्टेंजा नंबर थर्ड। Who hath his life from rumor freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। इसका अर्थ हुआ, तो अर्थ देखते चलते हैं कि who hath his life from rumor freed, कभी कहता है एक प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, एक प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, फ्रीड होता है। हुज कंसाइंस हीज स्ट्रांग रिट्रीट, और उसका या उसके अंतरात्मा की आवाज़ ही उसकी सबसे शक्तिशाली रिट्रीट होता है, शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्रेटर्स फ्रीड, जिसकी स्थिति को ना तो चापलूस पनप सकते हैं, यानी चापलूस के द्वारा स्थिति उसकी बिगड़ती नहीं, एक प्रसन्नचित व्यक्ति की स्थिति चापलूस नहीं बिगाड़ सकते। ना र्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट, ना तो आक्रमणकारी उसको बर्बाद कर सकते हैं। अगला स्टेंजा है हु इनविज नन होम चांस द रेज, उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है, यानी प्रसन्नचित व्यक्ति उस व्यक्ति का दुश्मन नहीं होता है जो अवसर बस अपनी प्रगत कर ली है, जो अवसर बस प्रगत कर ली है। नार वाइस, ना तो उस बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट द ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, वो कभी नहीं समझता कि कितना हाउ डिवेस्ट कितना गहरा होता है। वोट्स माने घाव, आर गिवेन मी विथ प्रेज, यानी प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्यों के एक प्रशंसित व्यक्ति राज्यों के नियमों का पालन नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, उसे राज्यों के नियमों की आवश्यकता नहीं है। बट रूल्स ऑफ गॉड, वो भलाई यानी अच्छे या भलाई के नियमों का पालन करता है। अगला स्टेंजा है गॉड हु गॉड डथ लेट अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैट गिफ्ट टू लैंड, कभी कहता है कि एक प्रसन्नचित व्यक्ति डथ लेट एंड अर्ली प्रे, भगवान की प्रार्थना सुबह और शाम करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस उसी कृपा प्राप्ति के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड उपहार के बदले, यानी उपहार वो नहीं मांगता है, उपहार के बदले के अपेक्षा, उपहार मांगने के अपेक्षा एक प्रसन्नचित व्यक्ति भगवान की प्रार्थना सुबह और शाम उसकी कृपा प्राप्त के लिए करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपना समय हार्मलेस डे जो बचा हुआ समय है वो इंटरटेन्स मनोरंजन करता है, किसके साथ, विद वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, भली भांत चुनी गई पुस्तकों और मित्रों अच्छे मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है एक तो देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, एक प्रसन्नचित व्यक्ति सभी गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, सर्वाइल बैंड्स गुलामी के बंधनों से फ्री होता है, मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उसे आशा निक उठने की आशा, प्रगत की आशा नहीं करता वो। आर फेयर टू फॉल, उसके पतन का भय नहीं होता, नहीं उसे अपने पतन का भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो अपने आप का मालिक है, वो अपने आप का मालिक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो भूमि का मालिक नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ हाल, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैथ हाल
फिर भी उसके पास सब कुछ है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात द वेल्थ ऑफ कंटेंटमेंट, निक संतोष धन है। तो आज क्लेशो लेसन यहाँ समाप्त होता है पोएम का पहला। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।